नमस्कार कैसे बारह वो लोग आते से कोई इच्छा हुई नहीं मन स्वस्थ हुई। वेलकम टू माय चैनल श्वेता विभूति फूड एंड ब्लॉग। और आज मैं आलू सहजन की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आलू सहजन को काट लिया और यह है लहसुन सरसों। इसको हम पहले पीस लेंगे, मतलब सिल बट्टे आप पीसूँगी। और सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में और इसमें मेथी का फ़ौरन डालेंगे। जब मेथी जल जाए तो इसमें हम आलू सहजन डाल के इसको भूनेंगे धीमे आँच पर, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसको भुनना है हमको। और उसके बाद तब तक हम अपना मसाला इधर रेडी करेंगे। आज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल बना रही हूँ, सिल बट्टे पे पीस के। और सिल बट्टे का तो बात ही निराला है भाई, बोलते ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मिक्सी से बिल्कुल अलग आएगा। और ये देखिए मैंने इसको पीस लिया, बिल्कुल महीन पीसा हुआ है, कहीं से भी कुछ भी दरदरा नहीं है। और इसको अब हम डाल देंगे, क्योंकि हमारा आलू और सहजन जो है ना अच्छे से भुन चुका है। और इसको डालने के साथ हम बहुत नॉर्मल मसाले जो होते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाला है मैंने। और इसके साथ मैं एक होल टमाटर डालूंगी, मतलब काट के देख लिया है कि अंदर से ख़राब नहीं है ना। और फिर इसको हम भूनेंगे और इसको अभी मतलब थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाले जले ना, और बिल्कुल थोड़ा सा। और जब हमारा टमाटर गल जाएगा ना तो इसको हम इसी में फोड़ देंगे, इसका स्वाद बिल्कुल अलग आता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा टमाटर को फोड़ के देखिएगा, ये जब सॉफ्ट हो जाए ना तो अच्छे से टूट जाता है। तो इसको हम पकाएंगे और फिर टमाटर को इसमें फोड़ लेंगे और उसी की ग्रेवी में, मतलब उसी के रस में जो टमाटर अपना रस छोड़ेगा ना, उसी में हम फिर इसको पकाएंगे। तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम टैंगी सा टेस्ट आता है, चटपटा सा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारे मसाले भुन चुके हैं बहुत अच्छे से, आपस में अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो बोलते हैं ना एकदम घर सुगंधित हो जाना वैसा हो रहा है। और सब्ज़ी भी हमारी आधी से ज़्यादा पक चुकी है। देखिए आलू हमारा कट जा रहा है आराम से। अब हम इसमें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी पानी डाल देंगे और इसको ढक करके हमको अच्छे से पकाना है, जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो। अब देखिए मैंने इसको 10 मिनट ढक दिया एकदम धीमी आँच पर, और देखिए ऑयल कितना अच्छा सेपरेट हो गया और हमारा आलू और सहजन भी अच्छे से पक गया, एकदम आराम से ये टूट जा रहा है। तो ये हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है और इसका जो है ना ग्रेवी थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है, क्योंकि सहजन को किस चीज़ खाइए बहुत मज़ा आएगा। और सहजन तो हमारी सुपर फूड में आता है। देन इसके ऊपर हम धनिया की पत्ती श्रद्धा अनुसार डालेंगे और ये हमारी सब्जी रेडी है। ये चावल रोटी आप किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।